रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन आलू का सालन की रेसिपी। ये मैंने चिकन लिया है और ये थोड़े से मैंने दो तीन आलू लिए थे, उसको मैंने कट कर लिए। ये मैंने प्याज लेकर, तीन अदर दरमियानी प्याज लेकर मैंने इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। दो अदर टमाटर है, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये मैंने लिया है गर्म मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डेढ़ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और मैंने पिसी लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, और नमक मैंने लिया है हसब ज़रूरत। तो विवाह शुरू करते हैं। और अदरक विवाह शुरू करते हैं। ये वो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। अब इसमें मैं ये चिकन डाल देती हूँ। ये भी ब्राउन प्याज दिया था, पेस्ट भी शामिल कर देंगे। ये टमाटर, बाकी ये सारे मसाले डाल देंगे हम इसके अंदर। अब इसको हम भूनेंगे। जब ये ऑयल छोड़ दें तो फिर इसमें हम आलू शामिल करेंगे। ये देखेंगे, अब ये भून गया, ऑयल छोड़ दिया सालन में। अभी हम 5 मिनट तक और भूनेंगे। अभी मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। ये आलू ऐड कर देंगे। अब आपको जितनी ग्रेवी रखनी है ना, आप अपने हिसाब से उसे ग्रेवी रख लीजिए। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी में इसमें अपना ऐड करेंगे कि इसमें हमारे ये आलू और चिकन गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे। अब इसको हम कवर कर देंगे जब तक हमारा ये आलू गल जाए।
तैयार है। इसमें मैं हरी मिर्ची और ये हरा धनिया इसके अंदर डाल देती हूँ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार है, मैंने डिश में निकाल दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।